आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर अवस्थित है सिवनी जिला। जिला मुख्यालय सिवनी में ऐतिहासिक दलसागर तालाब लगातार दूसरी बार बारिश में नहीं भरा जा पा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल नगर पालिका परिषद के कर्णधारों के अदूर दृष्टि के चलते इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं। नगर पालिका परिषद के सूत्रों का कहना है कि यहाँ एक फुटओवर एक ब्रिज बनाया जा रहा था, माफ़ कीजिएगा फुटओवर ब्रिज नहीं, एक ब्रिज बनाया जा रहा था जहाँ पैदल चलकर लोग दलसागर के टापू में पहुँच पाते। दलसागर को लेकर न जाने कितने बार प्रयोग किए गए हैं और इसको जब पिछले साल इसे अप्रैल के माह में बारिश के पहले ठीक पहले से खाली कराया गया था, तब इसकी साफ सफाई भी नहीं कराई गई, इसकी सिल्ट भी नहीं निकाली गई और यहाँ आप देख सकते हैं आधा अधूरा स्ट्रक्चर खड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। लगभग 1 करोड़, नगरपालिका के सूत्रों का कहना है कि 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि का भुगतान ठेकेदार को अब तक किया जा चुका है। दूसरी बारिश है और ये वाटर बॉडी दूसरी बारिश में भी भरी नहीं जा पाई है। दलसागर ऐतिहासिक तालाब माना जाता है। रानी दुर्गावती, जो वीरांगना रानी दुर्गावती के पति राजा दलपत शाह के नाम पर इसे दलसागर का नाम दिया गया है, जिस तरीके की किंवदंतियां सिवनी में सुनाई देती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस पूरे मामले को लेकर, वाटर बॉडी से छेड़छाड़ को लेकर नवेंदु मिश्रा युवा अधिवक्ता एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहुंचे और उनके द्वारा 2023 में इस मामले को एनजीटी के संज्ञान में लेके आया गया। 20 अक्टूबर को पहली बार ये मामला एनजीटी के संज्ञान में लाया गया। उसके बाद नवेंदु मिश्रा का कहना है कि 9 जुलाई को एक आदेश एनजीटी की भोपाल बेंच के द्वारा पारित किया गया और 1 महीने के अंदर इस निर्माण को तोड़ने की आदेश उनके द्वारा दिए गए थे। इसकी 13 अगस्त को अगली पेशी निर्धारित की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर दलसागर तालाब में 1 करोड़ रुपए से अधिक हुए निर्माण को लेकर अब बहस चल पड़ी है। लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी निर्माण कराया गया उसे पूर्ण किया जाना चाहिए। इस तरह से जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को हवा में उड़ाना उचित नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इस पूरे मामले में चूंकि नियम विरुद्ध तरीके से काम हो रहा है, इसलिए इस पूरे काम को रोका जाना चाहिए। और जहां तक रही बात 1 करोड़ से अधिक की राशि व्यय होने की और दलसागर को 2 साल बारिश में नहीं भरे जाने की बात, तो इसके लिए लोगों का कहना है कि स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक दोनों को चाहिए कि कांग्रेस शासित नगर पालिका, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सिवनी विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सिवनी के सांसद, पूर्व सांसद भी भाजपा के रहे हैं, वर्तमान सांसद भी भाजपा की हैं, उसके बाद भी कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद अपनी पूरी मनमानी पर यहाँ उतारू है। तो लोगों का कहना यह है कि नगर पालिका परिषद में जिस किसी भी अधिकारी के द्वारा वाटर बॉडीज से खिलवाड़ करते हुए निविदा जारी की गई, उस अधिकारी जिसके द्वारा निविदा, जिन भी अधिकारियों के द्वारा निविदा जारी करने की कार्रवाई की गई, जिन अधिकारियों के द्वारा इसके लिए राज्य शासन स्तर पर इमदाद दी गई, मदद दी गई, जो आर्थिक मदद दी गई, उनके जिन भी अधिकारियों के द्वारा माप पुस्तिका मेजरमेंट बुक में इस सब की एंट्री इंदराज किया हो, उनके जिन भी सहायक यंत्री हों, उपयंत्री हों, कार्यपालन यंत्री हों, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हों, जिन किसी भी अधिकारियों के द्वारा ये 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ठेकेदार को भुगतान कर दी गई है, ये उनके वेतन भत्तों से वसूल की जानी चाहिए। दलसागर के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए, लोगों का ये कहना है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि अधिवक्ता नवेंदु मिश्रा के द्वारा एनजीटी में जाकर स्टे लाकर गलत काम किया गया है, जबकि
जानकारों का यही कहना है कि नविंदु मिश्रा ने एक सजग प्रहरी की भूमिका का निर्वहन किया है। इस मामले में सिवनी के विधायक दिनेश राय, सिवनी के पूर्व सांसद रहे डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सिवनी की वर्तमान सांसद भारती पारदी, सभी को चाहिए कि कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद के जो अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों के द्वारा ये बहुत बड़ी गलती की गई है, जो यहाँ पर गलती दिखाई दे रही है कि दो साल से इस तालाब को भरा नहीं जा सका, दो साल से इस तालाब में आप देख सकते हैं किस तरह से तालाब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। चूँकि सिवनी की भविष्य का मामला है, सिवनी से जुड़ा मामला है, सिवनी के सौंदर्य का मामला है इस दलसागर तालाब में। अगर देखा जाए तो दो दशकों में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए हैं। देखिए यहाँ कचरा आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। इस मामले में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भूमिका पर भी माफ कीजिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही चूँकि जिलाधिकारी संस्कृति जैन नगर निगम आयुक्त रही हैं, इसलिए वे बेहतर समझ सकती हैं कि नगर पालिका परिषद या स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली किस तरह की होती है। इस मामले में उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, विधायक दिनेश राय को संज्ञान लेना चाहिए। अधिकारियों के वेतन भत्तों से यहाँ जो भी भुगतान किया गया, अव्वल तो एनजीटी का जो स्टे आया है, स्थगन आया है, उस स्थगन अगर ये काम गलत हुआ है तभी मिला है। जो जानकार यही कहते हैं कि ये काम चूंकि गलत हो रहा था इसलिए स्थगन दिया गया, अन्यथा स्थगन शायद ही मिल पाता। इस गलत काम को अंजाम देने वाले अधिकारियों के वेतन भत्तों से, और अगर वे सेवानिवृत्त हो गए तो उनकी पेंशन से इसकी वसूली की जानी चाहिए, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए, जो अब तक नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले की अगली पेशी 13 अगस्त की है और इसे 9 जुलाई को एनजीटी के द्वारा इस जो भी यहाँ निर्माण कराया गया उस निर्माण को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक माह के अंदर अर्थात 9 अगस्त तक इसे पहले जैसा कराया जाना प्रस्तावित है, जो नविंदु मिश्रा का कहना है। और 9 अगस्त तक अगर ये काम पूरा नहीं होता तो उसके 4 दिन बाद 13 अगस्त को इसकी पेशी होगी, और पेशी में क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। पर दर्शकों के लिए हम बता दें कि भोपाल के बड़े तालाब में भी वोट क्लब, जो रंजीत होटल से अपन अगर आप आगे बढ़ते हैं वन विहार तरफ, तो आप देखेंगे कि वाटर बॉडी के अंदर, बड़े तालाब के अंदर एक स्ट्रक्चर सालों से खड़ा हुआ है आधा अधूरा, वहां पर भी एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था जिस स्ट्रक्चर को पर्यावरण के हिसाब से वाटर बॉडीज़ के साथ खिलवाड़ के चलते उसे जस का तस रखने के आदेश दिए गए थे। और नगर निगम भोपाल के सूत्रों ने ये जानकारी भी दी है कि उस जो भी वहाँ उस समय, ये लगभग 3 दशक पहले की हम आपको बात बता रहे हैं, और 3 दशक पहले भोपाल से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी ने नगर निगम के सूत्रों के हवाले से बताया कि जिन भी अधिकारियों के द्वारा इस पूरे निर्माण, जो भोपाल में निर्माण कराया गया था उसमें जो पैसा खर्च किया गया था उनके वेतन से उसकी वसूली की गई थी। सिवनी में भी एक उदाहरण पेश किया जा सकता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जाहिर है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा ही चेक काटा गया होगा, उनसे इसकी जो लाखों रुपये खर्च हुए हैं उनसे इसकी वसूली की जानी चाहिए। जो भी इसमें तकनीकी अमला, जिसने भी हस्ताक्षर करके इसे सत्यापित किया होगा, जिसके द्वारा निविदा निकालने के लिए विस्तृत प्रकलन DPR बनाया होगा, उनके वेतन भत्तों से इसकी वसूली की जानी चाहिए। और इस सब के लिए, चूंकि एक पर्यावरण से खिलवाड़ करने की अनुमति शायद ही कोई दे, वैसे भी पर्यावरण संतुलन किस कदर बिगड़ रहा है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के द्वारा इसी बात पर निगाह रखी जाती है और सुनवाई भी ऐसे ही प्रकरणों की जाती है। हम लगातार आपको सिवनी के ऐतिहासिक दलसागर तालाब के बारे में जानकारी देते आए हैं, दलसागर तालाब की दुर्दशा आपके समक्ष रखते आए हैं। 2 दशकों में अगर आप देखें तो 2000 के उपरांत आज तक न जाने कितने करोड़ रुपए
इस दलसागर को संवारने के लिए बहा दिए गए हैं, इसका भी ऑडिट होना चाहिए, इसको भी एक श्वेत पत्र की मांग भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को करनी चाहिए। आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी इस मामले में मौन ही अख्तियार किए हुए दिखते हैं। शहर के अधिकांश नागरिक नवेंदु मिश्रा के इस कदम को सराह रहे हैं, नवेंदु मिश्रा को बधाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह का विकास, अगर नियम विरुद्ध तरीके से विकास किया जा रहा है, तो वो विकास सिवनी जिले के नागरिकों को ऐसा विकास नहीं चाहिए है, ये लोगों का कहना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हूँ तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।